गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरी जो क्लास का टॉपिक है वो कंपोजिशन स्कीम के ऊपर है। देखो, अभी मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, उसे इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको आज यही अपना एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी अपनी इस क्लास में। मेरा जो ये क्वेश्चन है वो कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। कंपोजिशन स्कीम से रिगार्डिंग मैंने अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग क्लास दी है, होप है कि वो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो मेन स्टूडेंट्स को जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं यही क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ आज आपको। ये जो क्वेश्चन है, देखो बेटा, एक तो जो अभी जून 2020 का के लिए जो ICSI की वेबसाइट पर मॉड्यूल है, वही मैंने मॉड्यूल ओपन किया हुआ है। पेज नंबर 605 पर कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ इसी क्वेश्चन में मेरे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करा देती हूँ। देखो क्या है, जो कंपोजिशन स्कीम में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो कंपोजिशन स्कीम को ही ऑप्ट करे। मेन उस पर डिपेंड करता है कि वो ये देखे कि मुझे कौन सी स्कीम में ज़्यादा प्रॉफिट है, नॉर्मल स्कीम में रहने पर प्रॉफिट है या फिर कंपोजिशन स्कीम में पर आने पर ज़्यादा प्रॉफिट है। तो वही इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेटा, मैंने अपनी क्लासेस में आपको ये भी बताया कि इसमें हमें मेन ये देखना होता है कि कौन सी स्कीम में, यानी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर नॉर्मल में, तभी हमें ऑप्ट करना चाहिए। खाली एक टर्नओवर की लिमिट ही नहीं हमें देखनी होती। अच्छा देखो, ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, एक पी है, ट्रेडर है, ट्रेडर यानी जो ट्रेड करता है, हु हैज़ ए रेवेन्यू, उसकी जो रेवेन्यू है वो है इंडियन रुपीस 50 लाख की, चलिए इंक्लूसिव ऑफ GST। अब उसको जो रेवेन्यू मिल रही है ट्रेडर को, यानी दैट मीन्स कि ये इसकी क्या है, सेल प्रोसीड्स है, और इसी सेल प्रोसीड्स में इसका GST इंक्लूड है। ठीक है, तो इंक्लूसिव वर्ड जहाँ लिखा है तो दैट मीन्स कि इसी सेल प्राइस में उसका GST भी इंक्लूड है। चलिए, हैज़ परचेजेस, अब उसने क्योंकि जब सेल किया तो कुछ परचेजेस भी की होंगी, तो उसने परचेज कितनी की है, 40 लाख रुपीज़ की उसने परचेज की है इंडियन रुपीज़ में। अच्छा, और उस पर जो GST लगा है वो एट द रेट ऑफ 5% एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन में जो दिया है, यहाँ पर सेल जो है वो 50 लाख की है, 50 लाख में GST इंक्लूड है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो नेट सेल निकालनी होगी यानी विदाउट GST। ठीक है, और जो ये परचेज दी है, परचेज विदाउट GST है, यानी जो GST लगेगा वो 40 लाख रुपीज़ पर अलग से GST हमने, यानी ये जो पी ट्रेडर है इसने अलग से 40 लाख रुपीज़ पर GST पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छा, एक और इस चीज़ में क्वेश्चन क्या लिखा है, बुक कीपिंग एंड GST कॉम्प्लेंसेज कॉस्ट आर इंडियन रुपीज 2,50,000। तो जो यहाँ पर जो ये SSC है, इसकी ये जो बुक कीपिंग रख रहा है या GST जो भी कॉम्प्लेंसेज करने हैं, उसकी जो इंडियन रुपीज कॉस्ट है, यहाँ पे इंडियन रुपीज 2,50,000 की उसको कॉस्ट बियर करनी है, एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर इंडियन रुपीज़ 50,000, और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको जो बियर करनी पड़ रही है वो कितनी है, 50,000 रुपये। तो मोटा मोटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी सेल कितनी है 50 लाख रुपीज़ की, जिसमें कि GST भी इंक्लूड है, और परचेज कितनी है 40 लाख रुपीज़ की, जिस पर GST अलग से उसने पे किया है। ठीक है, और जो बुक कीपिंग और कॉस्ट कॉम्प्लाइंसेस कॉस्ट है यहाँ पे 2,50,000 की, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है कितनी, रुपीज़ 50,000 की। अब बेटा देखो, जो मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ है वो यही है, यहाँ इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। यहाँ इस क्वेश्चन में यदि मिसप्रिंट है, कई बार हो जाती है मिसप्रिंट पब्लिशिंग या किसी भी वे में मिसप्रिंट हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना। क्या है कि नॉर्मल स्कीम के लिए यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट तो बोल दी कि बुक कीपिंग की कॉस्ट कितनी है, 2,50,000, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे जो मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में लिख लेना यदि वो SSE यानी जो पी ट्रेडर है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप सही से लिख लेना साफ साफ, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसकी जो बुक कीपिंग कॉस्ट है वो कितनी है, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है। देखो, मैंने जब आपको अपनी क्लास में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो हमें कॉम्प्लेंसेस बहुत कम करने होते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल स्कीम में होते हैं हमें हर मंथली ही GST की रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन जैसे ही हम कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो हमें मंथली के बजाय क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है ना,
तो दैट उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये बेटा ये आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, तो इसमें वरी मत करना कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। मान लो एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में बिल्कुल सही लिखा हुआ आएगा। चलो ये कंपोजिशन में जो बुक कीपिंग की कॉस्ट है ये कितनी है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ यदि कंपोजिशन तो इतनी कॉस्ट है। अच्छा अब ये जो पी ट्रेडर है वो चाहता है कि अपने 2 शिफ्ट कंपोजिशन ले भी, वो नॉर्मल स्कीम में था, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है। यू आर रिक्वेस्टेड, अब तुमसे ये पूछा जाए कि तुम उस पी को ये एडवाइस करो अपने इन योर कैपेसिटी एज ए जीएसटी कंसल्टेंट, यदि तुम एज ए जीएसटी कंसल्टेंट काम करते हो तो तुम उसको एडवाइस करो क्या क्या पी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है या नहीं। तो देखो बेटा सबसे पहले अब यहीं से हमारा क्या होता है आंसर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, वही देखना होगा कि प्रॉफिट, यानी नॉर्मल स्कीम में रहता है या कंपोजिशन स्कीम में रहता है, तो मेन उसका प्रॉफिट कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसे उसी स्कीम में रहना है। ज़रूरी नहीं होता कि हम कंपोजिशन स्कीम में जाएं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट है ना। यदि हमारा नॉर्मल स्कीम में रहकर ही प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमें नॉर्मल स्कीम को ही ऑप्ट करना चाहिए, फिर बेकार हम कंपोजिशन में क्यों जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट देखना होगा। आप देखो इस क्वेश्चन में मैं नॉर्मल स्कीम के हिसाब से देखती हूँ, नॉर्मल लेवी के बेस पर। यहाँ मेरी जो क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू कितनी है, 50 लाख रुपीज़ की है। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में क्या इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जीएसटी का मैंने अलग से पार्ट अलग से निकाल लिया, यानी 50 लाख जो रुपीज़ है यहाँ जीएसटी की अमाउंट दी गई है 5% है, तो दैट मीन्स 50 लाख में 5% और 100% यानी 105 से मल्टीप्लाई किया, 5% निकाला। तो इस तरीके से मैंने जीएसटी की अमाउंट निकाली। जीएसटी के अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो ये मेरी आ गई, ये नेट रेवेन्यू आ गई। ठीक है, तो ये नेट रेवेन्यू वो पार्ट है जो कि मेरे पास है। ठीक है, यानी मेरे पास जो कैश इनफ्लो आया है, वैसे तो मेरे पास कैश इनफ्लो इस समय कितना है, 50 लाख रुपीज़ का, लेकिन ये तो मेरी लायबिलिटी है ना बेटा, ये तो मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट कराना है। ये जो जीएसटी का पार्ट है ये मैं अपने पास तो नहीं रखूँगी, ये तो मुझे जमा कराना है ना। तो मेरी जो नेट रेवेन्यू, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट का पार्ट निकालना है, तो मैं ये, क्योंकि ये जीएसटी का पार्ट मेरा पार्ट नहीं है, तो मैं तो अपनी नेट रेवेन्यू देखूंगी। नेट रेवेन्यू मेरी कितनी है यहाँ पर, 50 लाख में से जो मैंने जीएसटी का पार्ट माइनस कर दिया, तो मेरी जो नेट रेवेन्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरी 47,61,905 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अच्छा फिर क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे परचेज मैंने की है कितने की, 40 लाख की। बुक कीपिंग कॉस्ट कितनी है मेरी, 2,50,000 की। अदर कॉस्ट मेरी यहाँ पर है 50,000 की। अच्छा अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे परचेज के टाइम पे स्पेशल बोला है जो जीएसटी है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में क्या का मतलब है कि ये जो इस परचेज पर जब मैंने परचेज किया होगा एज ए ट्रेडर, यदि मैं पी हूँ और पी एज ए ट्रेडर मैंने जब परचेज किया होगा तो इस पर मैंने क्या दिया होगा, जीएसटी भी पे किया होगा। जीएसटी पे कितना क्या होगा, यदि मैं 5% के बेस पर ही देखूं तो मेरी जो अमाउंट गई होगी वो कितनी गई होगी, 2 लाख रुपीज़ की गई होगी। गई होगी या नहीं गई होगी, चलो ये 2 लाख रुपये जो मैंने दिए हैं परचेज के टाइम पे, इसका मैंने क्या ले लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखो, हालांकि मेरी जेब से अभी 2 लाख रुपये गया है, लेकिन मैंने क्या ले लिया, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो ये मेरी क्या है, एक असेट्स का पार्ट हो गई पार्ट। अच्छा लेकिन मैं तो अपने एक्सपेंसेस में, देखो जब भी मैं प्रॉफिट निकालती हूँ, प्रॉफिट हम हमेशा पीएनएल के बेस पे ही निकालूंगी मैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरी कितनी इनकम हुई और कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं। ये जो परचेज है ये मेरा एक्सपेंसेस का पार्ट है, ये मैंने एक्सपेंसेस में डाल दिए। बुक कीपिंग जो मेरी कॉस्ट है ये भी मेरी पीएनएल में आ गई, और अदर जो कॉस्ट है ये भी मेरी पीएनएल में आ गई। क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं अपने पीएनएल में डालूंगी, नहीं, ये तो मेरी क्या है, किस में आएगी, बैलेंस शीट में, असेट्स साइड में आएगी, तो ये तो मेरी एक असेट्स है। ठीक है, तो मोटा मोटा भी ये समझ लो, यानी जो ये मैं मुझे जीएसटी मिला है इसमें से ये तो मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा कराना था, ये वाली प्रोसेस, ये पैसा बाद में मिला, बल्कि मैंने 2 लाख पहले ही दे दिए, तो ये इसका मैंने, जिसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, यानी 2,38,095 रुपीज़ में से 2 लाख मैंने जो सप्लायर को पहले दिया था, ठीक है, इसका मैंने इनपुट टैक्स, जब मैं जब क्रेडिट ले लूँगी इसके अगेंस्ट में,
तो बनी रिमेनिंग जो मेरी लायबिलिटी बनी है अभी गवर्नमेंट को जमा करानी की जीएसटी की, वो कितनी बनती है यहाँ पे 38,095 रुपीज़, ठीक है। तो एक तरीके से यदि मैं अपना इनपुट टैक्स उसी का मैं बनाऊं, यदि मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ, बैलेंस शीट देखो मेन मैं जो आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको करा रही हूँ। इनपुट टैक्स से जो मैंने क्रेडिट लिया यहाँ पर कितने का हुआ मेरा यहाँ पे 2 लाख का है ना, ये एक मेरी एक असेट्स है। और जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी यहाँ पे जो टैक्स की बनी है, आउटपुट लायबिलिटी मेरी बनी है यहाँ पर 2,38,095 रुपीज़ की। अब ये जो है इसके अगेंस्ट अब मेरी मैंने क्योंकि इसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, क्योंकि मैंने पहले ही सप्लायर को जब मैंने परचेज़ किए तो ये 2 लाख रुपीज़ तो मैंने उसी समय पे कर दिया था। अब जो मैं मुझे गवर्नमेंट को पे करना है यानी इस वाली अमाउंट में से 2,38,095 में से मैं 2 लाख माइनस करती हूँ तो मेरी जो अभी जो जीएसटी की लायबिलिटी बैठती है वो कितनी बैठेगी यहाँ पे 38,095 रुपीज़, ये वाली मेरी यही वाली लायबिलिटी बैठती है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब है ना। तो इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो अब मैं अपना प्रॉफिट के हिसाब से देखती हूँ। प्रॉफिट के हिसाब से अब मैं क्या देखूँगी, यदि मैं अपना वही पीएनएल बनाऊँ, देखो मैं पीएनएल यहीं पे शॉर्ट में बना देती हूँ, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन में ऐसा पीएनएल वगैरह ना बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है। पीएनएल में यदि मैं देखूँ तो मेरी जो सेल हुई है, सेल मैं हमेशा पीएनएल में अपनी इनकम में वही पार्ट डालूंगी जीएसटी हटा के। दैट मीन्स कि मेरी कितनी अमाउंट है यहाँ पे 47 जीएसटी, जब मैं हटा दूंगी 50,000 में से जब मैंने जीएसटी माइनस कर दी है तो मेरी कितनी है यहाँ पे 47,61,905, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे कुछ कॉस्ट भी हुई है, एक्सपेंसेस भी हुई हैं, क्या एक तो परचेज हुई है कितने की 2 लाख की हुई है, ठीक है। जीएसटी में नहीं मैं लिखूंगी, जीएसटी का मैंने यहाँ पे मैं अपनी असेट्स में डालूंगी। दूसरा मेरी और बुक कीपिंग कॉस्ट हुई है, बुक कीपिंग कॉस्ट अच्छा सॉरी यहाँ पे परचेज जो है 40 लाख की है, इसको सही कर लेना। अच्छा बुक कीपिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 2.5 लाख, और अदर कॉस्ट भी है, अदर कॉस्ट है यहाँ पे 0.5 लाख यानी 50,000। तो टोटल कॉस्ट यदि मैं देखूँ जो टोटल कॉस्ट है मेरी कितनी हो गई यहाँ पे 43 लाख हो गई। अच्छा अब ये मेरी जो इनकम है 47,61,905 में से यदि मैं 43 लाख माइनस करती हूँ तो फटाफट बताओ मेरा प्रॉफिट कितना बैठता है। देखो 47,61,905 में से जब मैं 43 लाख माइनस करती हूँ तो ये जो मेरा जो प्रॉफिट बैठा ये बैठा मेरा 4,61,905, यही अमाउंट बैठी है ना। तो यही इस मॉड्यूल में भी यही लिखा है 4,61,905, यही मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा है यहाँ पे नॉर्मल स्कीम में। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा यहाँ देखना, यहाँ पे जो कैश फ्लो की बात हो रही है, ये जो कैश फ्लो दिया है 4,23,810, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेना या कंफ्यूज मत होना। माने जब भी हम मेन कैश फ्लो का नहीं देखते, हम अपना प्रॉफिट का पोर्शन देखेंगे कि जीएसटी के नॉर्मल स्कीम में रहना है या हमें कंपोजिशन स्कीम में रहना, क्योंकि कैश फ्लो यदि तुम देखो यहाँ पे ये अमाउंट गलत ही है। कैश फ्लो अभी हमारा कितना हुआ यहाँ पे 4,61,905 ही रुपीज़ होगा, तो इसको करेक्शन कर लेना अदरवाइज़, ठीक है। एग्ज़ाम में यदि कैश फ्लो का आए तो लिखना, अदरवाइज कोई इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मेन हम प्रॉफिट का ही पार्ट देखेंगे। अच्छा अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी बाद में कैश फ्लो हमने निकाला कैसे है, ये कैसे आया है यहाँ पर, ठीक है। अब कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, यानी नॉर्मल स्कीम में यदि वो एसएससी रहता है तो मेन उसका जो प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे कितना है उसका 4,61,905। अब यदि वो एसएससी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है, ऑप्ट करता है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, उसकी जो रेवेन्यू है यहाँ पर रेवेन्यू कितनी है 50,00,000 की। अब वो क्या कस्टमर से वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, कस्टमर से जीएसटी चार्ज तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। देखो बेटा यहाँ पे बोला है इंक्लूसिव जीएसटी, तो हम यहाँ पे मानेंगे वैसे तो वो जो कंपोजिशन स्कीम में आता है तो वो जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं करता, तो लेकिन जब क्वेश्चन में थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो दैट मीन्स कि आप कंपोजिशन स्कीम में जो उसे यहाँ पर रेवेन्यू होनी चाहिए
मेल रेवेन्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 47,61,905 रुपीज़ की ही उसको ये रेवेन्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकता कंपोजिशन स्कीम में आएगा तो। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट है, पूरी डिटेल नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, यदि मैं हम मोटा मोटा ऐसे भी समझ लें, आपको क्लैरिफाई कराने के लिए मैं मान लेती हूँ कि क्वेश्चन में यदि मान लिया ये दिया गया है कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है यदि वो एसएससी और बिना कंपोजिशन स्कीम में आए हुए ही, सॉरी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और फिर भी यदि वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करता है, ठीक है, तो वो यहाँ से कितने कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 50 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है, जिसमें कि वो उसने ये जीएसटी का, यानी ये 50 लाख रुपीज़ हम मान रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, लेकिन यदि हम इंक्लूसिव मानते हैं तो ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम पर में तो आने पर आपको पता ही है कि वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकता। चलो, ये हमने मान लिया, हम मोटा मोटा इसी के हिसाब से चल लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ क्वेश्चन में ये 50 लाख की अमाउंट गलत है। यदि हम अपने हिसाब से चलें, यदि इसको भी हम सही करें, तो इसको सही करने के हिसाब से यदि हम देखें तो 50 लाख हम यहाँ से हटा देंगे, ये गलत है, यहाँ पे हमारी क्या अमाउंट आएगी, यहाँ पर 47,61,905, यानी कंपोजिशन स्कीम में आने पर तो वो कस्टमर से तो सिर्फ यही अमाउंट तो चार्ज करेगा, जीएसटी थोड़ी चार्ज करेगा। अब चलो, अब जो उसने परचेज़ की है, परचेज़ करने के टाइम पे 40 लाख की उसने परचेज़ की है, अब 2 लाख उसने जीएसटी के पे किए हैं, क्या वो जीएसटी का क्रेडिट लेगा इसमें? क्रेडिट तो नहीं लेगा, तो ये भी जो 2 लाख है, 2 लाख वो अपनी जेब से ही देगा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्या, क्या ये इसकी कॉस्ट का ही पार्ट होगा, तो परचेज़ कितनी हो गई यहाँ पे 42 लाख। अच्छा, फिर इसमें यहाँ पे बुक कीपिंग कॉस्ट, अब क्योंकि जब भी कोई एसएससी नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आता है तो हमेशा उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लाइंसिस कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता जितना इस क्वेश्चन में हमने दिखाया कि यहाँ पे 2,50,000 और 1 लाख है, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि कॉम्प्लाइंसिस क्वार्टरली करती हैं तो कम हो जाती है। तो चलो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमने एज्यूम मान लिया कि यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है कंपोजिशन स्कीम पर आने पर बुक कीपिंग कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, चलो हमने ये 1 लाख एक्सेप्ट कर लिया। फिर अदर कॉस्ट, जैसे इसमें थी नॉर्मल में अदर कॉस्ट भी कितनी है, 50,000 है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, अब क्योंकि जब कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है वो पी ट्रेडर, जितनी भी उसने सेल की है उसका 1% उसकी क्या बैठती है, जीएसटी की लायबिलिटी बैठती है, तो 1% 1% का आप यहाँ पर देख लीजिए आप कितना इसका बैठेगा। यदि मैं 1% देखूँ तो इसमें 1% आप देखो इसका, ये बैठ गया यहाँ पे मेरा 47,619। ठीक है, राउंड फिगर में कर दूँ तो कर लेना है 620 या 619, ये में उसमें कंपोजिशन स्कीम पर आने पर ये उसकी जीएसटी की लायबिलिटी बैठ गई। अब यदि मैं यहाँ पर प्रॉफिट देखूँ कंपोजिशन स्कीम में आने पर, तो हम मुझे क्या करना होगा, अब ये वही मैं अपना वही बनाऊँगी कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगी। 47,009 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, 47,61,905 ये अमाउंट हुई। इसमें से मुझे क्या माइनस करनी है, एक तो परचेजेस 42 यही लिख लेती हूँ, 42 लाख की, और एक मेरी बुक कीपिंग की 43 हो गई, और मेरी अदर कॉस्ट हो गई यहाँ पर 50,000, 43 लाख 50,000 की तो ये मेरी कॉस्ट हो गई, और मेरी साथ में ये जो मैंने जीएसटी की लायबिलिटी दी है ये भी मैंने अपनी पॉकेट से ही दी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहीं से कस्टमर से चार्ज नहीं किया, यानी 47,619। तो मेरी ये टोटल जो मेरी कॉस्ट बैठी है, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बैठी है, ये वाली बैठी है। ठीक है, यदि मैं इसका टोटल करती हूँ तो 7, ये इसको कैलकुलेट कर लेना 9,34, तो मेरा जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना बैठा मेरा 5 में माइनस कर देना, तो समथिंग यदि मैं मोटा मोटा लगाऊं यहाँ पर
ठीक है, तो इसको फटाफट कैलकुलेट करने कर लेना, इसको 15, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, इसको कर लेना फटाफट। तो मोटा मोटा यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तुम्हारा जो बैठ गया यहाँ पे, ये कितना बैठ गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 6, ये ही बैठा है ना, इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रॉफिट बैठा है यहाँ पर 3,64,286 रुपीज़ का, ये मेरा ये प्रॉफिट बैठा। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर, जो 6 लाख का प्रॉफिट है, ये वाला जो है वही अमाउंट फिगर गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने कंपोजिशन स्कीम पर भी यहाँ पर रेवेन्यू कितनी दिखा रहा है, 50 लाख की, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ जो रेवेन्यू मिलेगी कंपोजिशन स्कीम में आने पर, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में आने पर रेवेन्यू जो मिल रही है उसको, वो है इसकी 3,64,286 रुपीज़ की, आप देखो। और यहाँ पर ये प्रॉफिट है, और जीएसटी कितना पे किया है, जीएसटी पे किया है यहाँ पर इसने 47,619 रुपीज़ की। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमें क्या मेन देखना है, प्रॉफिट का पार्ट देखना है, प्रॉफिट का पार्ट। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में यदि मैं रहती हूँ, जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करती हूँ, परचेज के टाइम पे भी पे करती हूँ, है ना, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी जमा कराती हूँ, कॉम्प्लाइंसिस की इतनी बुक कीपिंग की कॉस्ट देने के बाद में भी मेरा ही जो जीएसटी में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, 4,61,905 का। जबकि मैं कंपोजिशन स्कीम में आ रही हूँ, और कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद मैं, मेरी जो है कॉम्प्लाइंसिस कॉस्ट कम हो रही है, फिर भी क्योंकि मैं कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरी जो जीएसटी की लायबिलिटी मुझे तो 1% ही देनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ, मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट के अमाउंट है, वो प्रॉफिट के अमाउंट कितनी हो रही है यहाँ पे, सिर्फ 3,64,286 रुपीज़ की मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मुझे, अब आप ही, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम में आना चाहिए या नॉर्मल स्कीम में आना चाहिए, बताओ। बिल्कुल भी नहीं, कंपोजिशन स्कीम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है। मेन बेटा हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट का ही पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में मैं अपनी किस स्कीम में रहूँगी, मैं अपने नॉर्मल यानी नॉर्मल स्कीम को ऑप्ट करूँगी। अच्छा, अब ये जो कैश फ्लो की बात आती है, कैश फ्लो का बेटा यही होता है हमारा, यदि हम देखें कैश फ्लो कितना हुआ है, देखो सेल के टाइम पे जो भी मेरा कैश आया है, सेल के टाइम पे यदि मैं नॉर्मल स्कीम में ही आऊँ, यहाँ कैश फ्लो में भी मिस्टेक है, नॉर्मल स्कीम में आऊँ तो मेरा जब कैश कितना आया है मेरे पास, 50 लाख रुपीज़ का आया है, ठीक है। तो मैं एक तरीके से एक चार्ट बना देती हूँ यहीं पर, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का, थोड़ा सा आपको देख, ये मेरा कैश इनफ्लो है और ये मेरा कैश आउटफ्लो है। जब मैंने सेल किया है, ये सबसे पहले मैंने कौन से प्रोसेस किया, मैंने परचेज़ किया है, परचेज़ कितने की है, 42 लाख की है, ठीक है, 40 लाख की है, और इसमें से 2 लाख का मेरा भी कैश गया है, वो 2 लाख का मेरा जीएसटी गया है, तो 42 लाख का मेरा ये मेरी कॉस्ट गई, और फिर 2,50,000 और 50, है ना, तो मेरा टोटल ये जो मेरी बुक कीपिंग और दूसरी कॉस्ट मेरी 3 लाख की, टोटल मेरी कितनी कॉस्ट हो गई यहाँ पे, 45 लाख की मेरी कॉस्ट गई है, और तो नहीं कुछ गई मेरी यहाँ पर, बस यही कॉस्ट गई है, ठीक है। एक तो ये मेरी परचेज़ की गई है, परचेज़ के टाइम पे मैंने ये इतने 40 लाख दिया, और साथ में 2 लाख और मैंने जीएसटी का पे किया है सप्लायर को, और 2,50,000 मेरी बुक कीपिंग कॉस्ट है, और अदर कॉस्ट मेरी 50,000 है, तो दैट मीन्स 43 हो गया, 43 में, और ये 42, चलो हाँ यहाँ पे 3 लाख पूरा हो गया, यहाँ पे हमारा जीएसटी वगैरह सब मिला के ये मेरी जो कैश आउटफ्लो हुआ है मेरा अभी कितना हुआ है यहाँ पे, 25 के टाइम तक या बुक कीपिंग तक मेरा 45 लाख हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सेल की, सेल करने के बाद में मुझे कितने की कैश इनफ्लो हुआ है यहाँ पर, 50 लाख का हुआ, 50 लाख का ही हुआ यहाँ पे, कस्टमर कुछ तो मुझे मैं अपने पास रखूँगी, और कुछ मैंने, मुझे 50 लाख का हुआ जिसमें कि मेरा जीएसटी भी इंक्लूड है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जीएसटी की लायबिलिटी मैंने पे की है, ठीक है, जीएसटी की लायबिलिटी मैंने यहाँ पर कितने की पे की है, 38,95,
यानी 38, यदि मैं यहाँ पर देखूँ, लैक तो नहीं है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 38,95,000 में लिख देती हूँ, 38,095 रुपीज़। तो इन दोनों का बैलेंस यानी 50 लाख में से जब मैं ये वाली अमाउंट यानी 42 लाख और 3 लाख प्लस करती हूँ, 45 लाख, 45 लाख 38,995 रुपीज़, यानी ये वाली अमाउंट जो मैं ये माइनस करूँगी 50 लाख में से, वही मेरा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, तो मेरा कैश इनफ्लो इस वाले केस में यहाँ पे कितना आ रहा है, वही आएगा यहाँ पे 4,61,905 रुपीज़। तो ये जो यहाँ पे कैश इनफ्लो है वो गलत है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में यदि मैं आउट करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 50 लिखा है, तो उस हिसाब से तो इनका यहाँ पे कैश जो फ्लो दिया हुआ है यहाँ पे 6 लाख सही बैठता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, आंसर में, सॉरी नॉट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भी पूरा डिटेल में नहीं है, आंसर में जो मिस्टेक है वो है कि कस्टमर से, क्योंकि GST तो चार्ज कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू मिली है, रेवेन्यू कितनी मिली है, यदि मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। अभी हमें जो मुझे कैश मिला है यहाँ पर, कैश कंपोजिशन स्कीम में कैश आने पर मुझे कितना मिला है यहाँ पे, 47,61,905, ये अमाउंट मुझे कैश की मिली है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने परचेज के टाइम पे और क्या क्या दिया है, एक तो 42 लाख बुक कीपिंग की कॉस्ट और ये अदर कॉस्ट और GST लाइबिलिटी, यानी इन सब का टोटल, GST लाइबिलिटी मेरी 50,000 नहीं है बल्कि मैं, हमारी कितनी आई थी 47,619 ये रुपीज़, यानी 42 लाख और 1 लाख, 43 लाख 50,000 और उसमें 47,619 ऐड करने के बाद में, यानी ये चारों अमाउंट हम जब ऐड कर देंगे, उन एडिशन को जब मैं 47,61,905 में से माइनस करूंगी, वही बैलेंस मेरा यहाँ पर क्या आएगा, कैश इन कैश फ्लो आएगा, नेट कैश फ्लो। तो बेटा मेन हमें नॉर्मल स्कीम में रहना है, कंपोजिशन स्कीम में रहना है, मेन हमें यहाँ पे प्रॉफिट का देखना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हो जाती है मिस्टेक, कोई ऐसा वो नहीं होता, कई बार मिस पब्लिशिंग में या उसमें हो जाता है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कोई भी यदि डाउट है तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या जैसे भी होगा, मैं आप लोगों की लाइव क्लास रख लूँगी। चलिए, होप है कि क्वेश्चन या इसमें क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ले तब तक के लिए बाय बाय।